सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं संजय, आप देख रहे हैं मेरा मूड। दोस्तों, टाटा पंच के दीवाने काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और टाटा पंच में अभी भी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि बहुत सारे वेरिएंट टाटा पंच के मिसिंग हैं। तो कौन कौन से ऐसे वेरिएंट हैं जो टाटा पंच के आने चाहिए, तो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल से इसी बारे में बताता हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो डिस्कस करते हैं ये चार पॉइंट कौन कौन से हैं और कौन कौन से ऐसे वेरिएंट लॉन्च होनी चाहिए जिससे टाटा पंच की सेल्स डबल हो जाएं। अभी अच्छा सेल कर रही है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है टाटा मोटर्स पूरी ना कर पाए, तो कस्टमर टाटा पंच की जगह पर कोई दूसरा ऑप्शन देखना शुरू कर दें। तो सबसे पहला है दोस्तों कि टाटा पंच के अंदर टर्बो इंजन कब आएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसका आंसर कोई भी नहीं कर रहा, करेक्ट आंसर कोई भी नहीं दे पा रहा है। और टाटा पंच में टाटा मोटर्स ने टर्बो इंजन लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। टाटा पंच का टर्बो इंजन इस ईयर फेस्टिवल सीजन तक आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बता देता हूँ, इसका दूसरा पॉइंट है सीएनजी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफ़ी बढ़ते जा रही हैं, तो कस्टमर जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और टाटा पंच को ओन करना चाहते हैं, तो उनके लिए दोस्तों टाटा मोटर्स ने सीएनजी का प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिया है। वो भी इस ईयर लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा, या अगले साल न्यू ईयर में टाटा पंच का सीएनजी वेरिएंट लॉन्च होते हुए नज़र आ जाएगा। अब आपको बताता हूँ तीसरा पॉइंट, डीजल और पेट्रोल की महंगाई को देखते हुए बहुत सारे जो महानगर हैं, महानगरों में बहुत किल्लत है इन चीज़ों की, तो उसमें इलेक्ट्रिक पे भी टाटा मोटर्स काम कर रही है। तो टाटा पंच का एक इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी आपको देखने को मिलेगा जो अंडर 10 लाख होगा। दोस्तों, सबसे सस्ती कार रहेगी टाटा पंच जो इलेक्ट्रिक वेरिएंट में लॉन्च होने वाली है। ये गाड़ी भी आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिल जाएगी। आने वाले कुछ टाइम के बाद टाटा मोटर्स ने टाटा पंच का एक डीजल इंजन भी लॉन्च करना है। डीजल इंजन 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज डीजल इंजन रहेगा। ये डीजल इंजन अभी देखने को तो नहीं मिलेगा, पर कुछ समय के बाद जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएंगी उसी हिसाब से टाटा मोटर्स इस पे काम करेगी। अगर डीजल इंजन की रिक्वायरमेंट हुई तो टाटा मोटर्स टाटा पंच के अंदर भी एक डीजल इंजन देगी। दोस्तों, ये हैं चार कुछ ऐसे नए वेरिएंट जो ऐड किए जाएंगे टाटा पंच के लाइनअप में। दोस्तों, यही था एक छोटा सा वीडियो। वैसे डीजल इंजन की इतनी रिक्वायरमेंट होगी नहीं, क्योंकि जो गाड़ी है गाड़ी के हिसाब से ही इंजन दिया जाता है। टाटा पंच में मेरे को लगता नहीं कि डीजल इंजन आएगा, अगर आ जाएगा तो एक कंप्लीट पैकेज आप लोगों के लिए बन जाएगी टाटा पंच। कैसा लगा ये वीडियो बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सेफ ड्राइव।